गाइस यहाँ QR कोड लगा हुआ है, अगर आप स्कैन करके टिकट लेंगे तो 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। यहाँ QR कोड है, आप फ़ोन से स्कैन कीजिए तो टिकट आपका अपने आप आ जाएगा। जो गलियारा दिख रहा है इसके अंदर दोनों साइड रूम बना हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ज़मीन के अंदर है तो ताकि गर्मी के टाइम ठंडा भी रहेगा और बाहर से दिखेगा भी नहीं। ये देखिए इसके ऊपर का चारों तरफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो कॉरिडोर दिखाया था आप लोगों को, उस जहाँ पे रूम बना हुआ है वहाँ जाने के लिए हर जगह पे ऐसे सीढ़ी बना हुआ है, आने जाने का रास्ता है। ये जो जगह टूटा हुआ है ये भी बंद ही था, खाली सीढ़ी का जगह खुला हुआ था, लेकिन ये काफ़ी पुराना है इसलिए टूट चुका है। और एक सीढ़ी बना हुआ है यहाँ पे। ये जो दोनों साइड में रूम बना हुआ है ये मुझे लग रहा है रहने का जगह था। यहाँ पे कोई प्रॉपर गाइड नहीं है इसलिए पता नहीं लग रहा है, लेकिन देख के लग रहा है ये सारा रूम ही बना हुआ है। ये रहने का जगह हुआ करता था। ये थोड़ा जमीन के नीचे है, बहुत सारा रूम यहाँ पे बना हुआ है आमने सामने। ये कौन रहते थे
ये नहीं पता है, लेकिन लोग यहाँ रहते थे। ऐसे कई सारा रूम इधर उधर बना हुआ है इस कॉरिडोर के अंदर। ये थोड़ा अंडरग्राउंड। कहानी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब खिलजियों का राज हुआ करता था दिल्ली में, तब खिलजियों के अंडर में एक गवर्नर थे गाजी मलिक। तो गाजी मलिक ने खिलजियों को सलाह दिया था कि मुगलों को रोकने के लिए ये अरावली रेंज है, अरावली रेंज में एक किला बनाने के लिए। तो खिलजियों ने बड़ा मजाक उड़ाया गाजी मलिक का कि जब आप सुल्तान बनोगे तब अपने आप बना लेना किला। तो क्या हुआ, बाद में गाजी मलिक ने खिलजियों को हरा दिया और यहाँ का सुल्तान बन गए। तब गाजी मलिक ने 1321 में ये फोर्ट बनवाए थे। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली के सारे मजदूरों को इकट्ठा करके ये फोर्ट बनाने में लगा दिया। एट द सेम टाइम, उसी टाइम ही निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी संत हुआ करते थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि एक बावली बनाने का, कुआं जिसको कहते हैं। तो सारा मजदूर दिल्ली का तो इस फोर्ट बनाने में लग गए थे, तो कौन बनाएगा वो बावली। तो उन्होंने क्या किया कि मजदूरों को बोला कि दिन में यहाँ काम करो, रात को हमारे बावली में काम करना। तो ऐसे ही चलता रहा। तो उसमें क्या हुआ, गाजी मलिक नाराज़ हो गए। अच्छा, और एक बात बताना मैं भूल गया, गाजी मलिक बाद में जब जीत गए थे खिलजियों को हरा के, जब सुल्तान बन गए थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया था ग्यासुद्दीन तुगलक। और तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है ग्यासुद्दीन तुगलक, जो वो बना रहे थे, क्या नाम है, बावली बना रहे थे निज़ामुद्दीन औलिया। तो वहाँ पे क्या है, रात को काम करने के लिए दिया जलाते थे, दिया के रोशनी पे बना काम करते थे मजदूर। तो क्या हुआ कि ये ग्यासुद्दीन तुगलक ने उनको तेल सप्लाई करना बंद कर दिया, जिससे दिया जलते थे। तो सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, तो उन्होंने अपना पावर अप्लाई करके पानी को तेल में कन्वर्ट कर दिया और उसी से दिया जलता था। फिर वो बहुत नाराज हो गए। उसी टाइम बंगाल में विद्रोह हो गया, तो तुगलक को जाना था बंगाल उसको संभालने। तो जाते जाते फरमान जारी कर गए थे कि हम आके निज़ामुद्दीन औलिया का सिर कलम कर देंगे। वो चले गए। अब निज़ामुद्दीन औलिया का जो शिष्य हुआ करते थे, उनके जो फॉलोअर थे, वो बहुत चिंतित हो गए कि क्या होगा, वापस आने के बाद तो इनका सिर कलम कर देंगे। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला कि वो ये ग्यासुद्दीन तुगलक वापस कभी दिल्ली आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या, जब वो वापस आ रहे थे बंगाल से, तो दिल्ली आने से पहले किसी एक जगह पे, जो रेस्ट करते थे आते हुए रास्ते में, ऐसे एक जगह पे क्या हुआ, टेंट उसके ऊपर गिर गया पूरा टेंट, और उसमें उसका मृत्यु हो गया, साथ में उनका बेटे का भी मौत हो गया। तो उनका दो बेटा था, एक साथ साथ डेथ हो गया। दूसरा जो बेटा था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल किंग कहते थे, वो सुल्तान बन गए फिर यहाँ का, तुगलकाबाद का। तो फिर उसने क्या किया, ये सारा फोर्ट को छोड़ के दौलताबाद चले गए। दौलताबाद जा करके अपना फोर्ट बना लिया दोबारा, ये फोर्ट एवंडन हो गया, उजाड़ गया। तो कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया का श्राप था, जिसके कारण ये फोर्ट कभी आबाद नहीं हो सका कभी भी। ये देखिए 1321 में, 1321 में ये फोर्ट बन के तैयार हो गया था, और 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से शिफ्ट कर गए थे। तो 4-5 साल का ये ड्यूरेशन था इस फोर्ट का। उसके बीच में भी ये बंगाल चले गए, फिर वापस आए, बहुत सारा कहानी है इसके बीच में। मैं इतना डिटेल हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल थिंग है, निज़ामुद्दीन औलिया का श्राप के कारण ये फोर्ट आबाद नहीं हो सका। तो ये अबंडन पड़ा हुआ है, तब से मेंटेनेंस है नहीं। अभी थोड़ा बहुत जो
इंडिया गवर्नमेंट लेकर के इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट। तो गाइस आपको आप लोगों को मैं स्टोरी तो बता दिया यहाँ का जो इंटरेस्टिंग स्टोरी था, फिर भी हम इस फोर्ट को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं। फोर्ट है तो काफ़ी बड़ा एरिया है, ये देखते हैं आगे क्या क्या और है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे ना कोई गाइड है और ना तो कोई बताने वाला है, तो हमको देख देख के ही समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कहाँ पर क्या था क्या होना चाहिए, क्योंकि फोर्ट जो है हर जगह पे एक ही जैसा होता है, हर फोर्ट का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेट्स सी। चलिए ये जो जगह बना हुआ है ये एक्चुअली फोर्ट के ऊपर का हिस्से में है। इसमें तोप लगाते थे, बंदूक लेके सिपाही खड़े होते थे। ये देखिए सारे डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है, क्योंकि फोर्ट ऊपर होता है, किसी भी पहाड़ी के ऊपर होता है, तो ऊपर से जो नीचे से आने वाले लोग हैं वो आराम से दिखाई दे, इसीलिए ये जो टनल सा थोड़ा सा बना होता है ये डाउनवर्ड्स होता है, ताकि आराम से यहाँ से गोली या तोप चलाया जा सके। इधर देखिए काफ़ी बड़ा फोर्ट दिख रहा है, वो ऊपर तक इतना ऊंचा, काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये। तो फ्रेंड्स मैंने जितना हो सका मैं आप पूरा फोर्ट आप लोगों को घुमा के दिखाया। अभी हम जा रहे हैं गियासुद्दीन तुगलक के जो मकबरा बना हुआ है वो फोर्ट से बाहर जाके रोड के अपोजिट साइड में है, तो चलते हैं वो देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर। ये सामने जो दिख रहा है यहाँ चलते हैं। गियासुद्दीन तुगलक और उनका जो बेटे उनका पत्नी उन लोगों का मकबरा है ये। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ये जो एंट्री देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं, ये गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे का गेट है।
था। हमने एक चीज़ नोटिस किया है इसका आर्किटेक्चर के बारे में, बाहर से पूरा झुका हुआ है अंदर की तरफ, बट अब अंदर जाएंगे उसको वर्क के रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। इतना स्ट्रॉन्ग है ये, लग रहा है नेक्स्ट 1000 ईयर्स ये ऐसे ही रहेंगे। अगर थोड़ा सा मेंटेनेंस हुआ तो ये कभी ख़राब होंगे ही नहीं, ये ख़त्म होंगे ही नहीं। इधर से फिर दिखा रहे हैं आपको, तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे फिर किसी और डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।